हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संचित कुमार शर्मा। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम लोग बात करेंगे। हम करेंगे एक वेबसाइट ऑडिट, जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस भी मैंने किया है, जैसे कि ज्वेलरी पे हमने किया है, कुछ फूड और वेबसाइट्स का किया है। आज हम लोग करेंगे एक जो कोलकाता का बेस्ट हॉस्पिटल है, जो सर्चेज में नंबर वन पे आ रहा है, हम उसका आज वेबसाइट ऑडिट करेंगे। इन द सेंस ऑफ यूजर एक्सपीरियंस, वेबसाइट एक्सपीरियंस, यूजेबिलिटी, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे इसका वेबसाइट ऑडिट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ही खोल के रखा है, बेस्ट हॉस्पिटल्स इन कोलकाता। देखते हैं पहला नंबर पे कौन रैंक कर रहा है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में। ये रहा अपोलो, ये फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है। चलिए आज हम इसी को थोड़ा देखते हैं। एंड हमेशा की तरह इस बार भी मैं ये नहीं कह रहा कि हम सिर्फ गलतियां ही ढूंढ रहे हैं। नेवर आई सेड दैट। हम लोग जब मैं ये ऑडिट कर रहा हूँ, इसमें कुछ अच्छी चीजें भी मिलती है, कुछ सुधार करने का चीज भी मिलता है। और जैसा कि हम जानते हैं, एक जब आप नए तरीके से, लाइक कोई नया इंसान अगर वेबसाइट को देखता है, तो हमें कुछ चीजें देख पाता है, लाइक कुछ कमियां, कुछ अच्छी चीजें। वो चीजें हम लाइक न्यूट्रल होके हम देखेंगे, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट क्या क्या चीजें यहाँ अच्छा है और क्या क्या सुधार करने का जरूरत है। सबसे पहला चीज हम करते हैं, चलो यहाँ देखते हैं, एक फाइव आइकन है, टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छा है, इवन बेस्ट हॉस्पिटल इन कोलकाता कीवर्ड्स भी यहाँ पे उन्होंने डाल के रखा है, टॉप मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इन कोलकाता। ये भी सही है, चलो कीवर्ड्स दे आर यूजिंग। और एक बारी हम एक छोटा सा पहले यहाँ पे करेंगे, कहाँ गया, हाँ टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह एक बारी हम चेक कर लेंगे। बिल्कुल दोनों एकदम एग्जैक्टली सही है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लाइक, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है एक्चुअली। मैं लाइक आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ थिंग। ये NOIDIR क्या है, इसको पढ़ के देखते हैं। टेल्स एवरी सर्च इंजन स्पाइडर नॉट टू ऐड द याहू डायरेक्टरी टाइटल। ये व्हाट इज दिस, ये मुझे, सॉरी मेरे लिए भी ये टर्म नया है, तो इसको लाइक मैं पर्सनली बाद में चेक कर लूंगा। H1 का भी डिस्ट्रीब्यूशन सही है, रॉबर्ट डॉट txt फाइल है कि नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल है, 404 पेजेस को इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, दैट इज गुड फॉर एसईओ। एडमिनिस्ट्रेटर को रखा है, डिसअलाउ करके रखा है, WP एडमिन, WP कंटेंट, लाइब्रेरीज, लॉग्स, मॉड्यूल, प्लगइन्स। चलो बहुत अच्छी बात है। एक बारी थोड़ा साइट में आप देखेंगे एक बारी, चलो फिर से क्लिक करते हैं, साइट मैप चेक करते हैं। साइट मैप भी बना हुआ है, परफेक्ट। ये तो बहुत बड़ा साइट मैप है, ओहो आई थिंक ये फिजिकली बनाया हुआ साइट मैप है, क्योंकि यहाँ पे URL UI करके यहाँ एक एक चीजों को उन्होंने डिफाइन करके रखा है, इवन प्रायोरिटी भी सेट करके रखा है, कौन कौन सा पेजेस को गूगल को जल्दी क्रॉल करना है या कोई भी सर्च इंजन को। दैट्स परफेक्ट। तो हम लोग थोड़ा लाइक ना क्विक, और यू कैन सी स्पीड ऑडिट हम कर रहे हैं, लाइक थोड़ा जल्दी में करेंगे चीजों को देखते हुए। और एक बारी और मैं खोलूंगा वो, चलो देखते हैं हेडर्स। नहीं, ये देखिए दिक्कत वाली बात है, हमेशा कभी भी जो ये जो हेडिंग टैग्स होता है, H1 से शुरू होता है, H2, H3, H4 ऐसे करके वो डाउन द लाइन डिवाइड होता है, बट यहाँ सबसे पहला हेडिंग कौन सा है, H4, दैट इज नॉट गुड फॉर SEO। यहाँ पे सबसे पहला H1 से शुरू होना चाहिए और तब जाके H2, H3 एंड H4 में डिवीजन होना चाहिए। एंड इवन H3, H4 में डिवीजन तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी पहले में नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इमेजेस का ऑल टैग सही है कि नहीं है, नहीं इमेजेस का ऑल टैग ब्लैंक है, यहाँ पे ये ऑल टैग होना चाहिए।
आई नो दे आर रैंकिंग ऑन फर्स्ट पेज, बट ये चीजें करने से मुझे लगता है थोड़ा और सुधार हो सकता है, इवन इट कैन बी बेटर। हाँ ये ऑल टाइम नीचे यहाँ पे है, चलो परफेक्ट, ताकि यहाँ पे और चीजें हम बाद में देखें। सबसे पहले तो ये क्लिक करने के बाद होम पेज पे आ रहा है, दैट्स परफेक्ट। अभी यहाँ पे चेक करते हैं, बैनर नीट एंड क्लीन लग रहा है डॉक्टर का, बट ये कंटेंट में थोड़ा सा चेंज, ये वाला बैनर बहुत ज्यादा बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन मिला है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी सही है। मुझे लग रहा है ये लोगो थोड़ा लोगो कंसिस्टेंट नहीं है, लोगो किसी में राइट साइड में है, किसी में है ही नहीं, और किसी में लेफ्ट एंड राइट हो रहा है। सो आई थिंक ये कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। देखिए इसमें लोगो राइट साइड में है एंड किसी में, यहाँ पे देखिए इसमें लोगो है ही नहीं, यहाँ पे राइट साइड में है, तो ये लोगो का कंसिस्टेंसी बैनर में नहीं है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए केवल यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी आ रहा है मेरे हिसाब से, अच्छा दैट्स अ बिग वेबसाइट एक्चुअली, अपोलो का तो चेन भी बहुत बड़ा है, दैट्स व्हाई लाइक दे हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए एक एक पहले होम पेज को ठीक से देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। ये क्लिकेबल है, ये क्लिकेबल बिल्कुल बिल्कुल, यूआरएल्स मैं देख पा रहा हूँ, क्लिकेबल, इसको बाद में चेक करेंगे। अपॉइंटमेंट हो पाता है कि नहीं चेक कर ले, यहाँ टैब में खुल रहा है डॉक्टर से कॉल करता, ये देखिए इमेज लोड नहीं हो रहा है, इमेज में प्रॉब्लम है, ये पहले पेज कोडिंग जैसा लोड हुआ था, उसके बाद अभी जाके ये नॉर्मल हुआ है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो पॉइंट आउट करना और समझना जरूरी है, इवन ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें सीए पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। और कुछ देखते हैं, ये पॉपअप, ओके गुड, पॉपअप यूज करना सही है, बट इसपे पॉपअप यूज करने से एक होता है कि कभी कभी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाता है, तो ये एस्पेक्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ फिर भी सही है देन दैट्स परफेक्ट, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी हम होम पेज चेक कर रहे थे, होम पेज में आते हैं, ओके ये क्लिकेबल है, इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। फिलहाल हम अभी आगे बढ़ते हैं, ये मुझे लग रहा है ये टेक्स्ट थोड़ा छोटा है, टेक्स्ट का साइज थोड़ा और बड़ा होने से मुझे लगता है रीडेबिलिटी सही होता, इवन थोड़ा पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब आप ये देखिए फुटर कितना छोटा है, इट्स लाइक हार्ड टू रीड, और अगर आपका रीडेबिलिटी सही नहीं होगा तो गूगल आपको थोड़ा कम रिवार्ड देगा, इट मीन्स रैंकिंग में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो ये मुझे लगता है ये चीजें सही करना बिल्कुल सही होगा। ये एक अच्छी चीज है, उन्होंने टॉप लाइक गेट टू द टॉप का आइकन दिया है, बहुत अच्छी चीज है, एंड ये कॉल टू एक्शन बिल्कुल अच्छी बात है, यहाँ के लाइक किसी को अपॉइंटमेंट बुक करना है, मुझे लगता है ये सारे पेजेस में होना चाहिए मेरे हिसाब से, सारे पेजेस में है कि नहीं एक बार चेक करते हैं, नहीं ये हाँ बुक एन अपॉइंटमेंट यहीं पे डॉक्टर का दिया हुआ है। अच्छा इसको एक बार और चेक करते हैं दूसरा पेज में, मुझे लगता है इन्होंने जो ये अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे ऊपर में, अपॉइंटमेंट इमरजेंसी, अच्छा इमरजेंसी नंबर, ओके, तो मुझे लगता है ये सारे जगह पे होना
सारे पेजेस में होता तो और ज्यादा अच्छा हो पाता, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी को बोल रहे हो, देखो ये सब पेजेस में है लेकिन ये सब पेजेस में नहीं है, कुछ कुछ पेजेस में मिसिंग है। तो मुझे लगता है ये वाला ऊपर का जो है ये बुक अपॉइंटमेंट और इमरजेंसी नंबर ये होना चाहिए। इवन ये नंबर्स भी क्लिकेबल बना सकते हैं। नंबर्स को देखने के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है इसको हाईलाइट करने तो कर लेना बेटर होता। क्योंकि लोग जब आपके पास कस्टमर्स ऑलरेडी हैं, अपोलो को लोग जानते हैं, तो आप क्लिक थ्रू रेट आराम से बढ़ा सकते हैं। जब आप नंबर्स को थोड़ा डिस्प्ले करेंगे, मे बी नंबर्स को क्लिकेबल बना देंगे ताकि ये लोग क्लिक करने से ही कॉल कर पाएंगे डायरेक्टली, तो ये सब ऑप्शन से थोड़ा सा क्लिक थ्रू रेट ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। ये हॉस्पिटल सर्च करने का आई थिंक मेरे हिसाब से होगा। बट यहाँ पे कोई सजेशन नहीं दे रहे हैं, तो अच्छा अगर मुझे कोलकाता में कोई हॉस्पिटल ढूंढना है तो मुझे पता नहीं है कि अगर मैं नाम भी जानता हूँ तो यहाँ से मैं वैलिडेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सजेशंस नहीं है। देखो मैंने मैंने ढूंढा कोलकाता, मुझे पता ही नहीं कि कोलकाता में कौन सा हॉस्पिटल है, क्या ढूंढना है मेरे को। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक सजेशन देना यहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टैगलाइन बहुत मुझे पसंद आया, टचिंग लाइव्स। पेरेंट केयर, इतना सारा पेजेस है कि चेक करना पॉसिबल भी नहीं होगा सारा, तो मैं रैंडमली चेक करूंगा क्या है नहीं है। इवन यू कैन सी कितने सारे टैब्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे टैब्स हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम करूंगा, पहले खोलूंगा स्क्रीमिंग फ्रॉग। स्क्रीमिंग फ्रॉग खोलने के बाद लेट्स ओपन, और यहाँ पे मैं खोलूंगा हमारा गूगल पेज स्पीड इनसाइट। क्योंकि अभी स्पीड और एक्सपीरियंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी हो गया है। अभी जो नया कोर अपडेट आया है, कोर वेब वाइटल्स, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है आपका पेज स्पीड, पेज एक्सपीरियंस, ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान रखने बोलते हैं। तो चेक करते हैं एक बार उसका क्या स्थिति है। एक बार मैं ये भी करूंगा कि मैं एक बार सर्च ऑपरेटर यूज करके चेक करूंगा कि कोई इरिलेवेंट पेजेस तो नहीं है। यहाँ पे मैं चेक करूंगा साइट कोलोन, टोटल 524 पेजेस हैं, और थोड़ा लोकल लिस्टिंग भी यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि वेदर कहाँ कहाँ वो है। ये तो उनका पर्सनल पेजेस आ रहा है, सोर्सेज रोबोटिक्स प्रोसीड्यूर्स हेमाटोलॉजी, सॉरी मैं बायोलॉजिकल टर्म्स में बहुत कमजोर हूँ, एंड इवन मेरा बायोलॉजी में बहुत कम नंबर्स भी आते थे, सो सॉरी अबाउट दैट अगर मैं कुछ प्रोनंसिएशन गलत कर दूँ। हम अभी SEO देख रहे हैं, मेरा प्रोनंसिएशन नहीं। सो आगे बढ़ते हैं, अभी तक तो उन्हीं का पेजेस दिख रहा है। और इमरजेंसी डिपार्टमेंट, अभी तक तो सारे ठीक ठाक पेजेस मिल रहा है। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग ब्रांड नेम इन एवरी टाइटल्स मोस्टली, सारे जगह पे। जैसे देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स कोलकाता, अपोलो लोग यहाँ पे, ये टाइटल थोड़ा छोटा करने का जरूरत है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अभी तक तो सारा इनका नॉर्मल पेजेस ही आ रहा है, वेबसाइट पेजेस ही।
मैं एक्चुअली देख रहा हूँ कि लाइक लोकली वगैरह ये लोग कहीं पे खुद को लिस्ट करके रखे हैं या नहीं। वेबसाइट पेजेस आ रहा है अभी तक, एक बार मैं इसको बाद में डाउनलोड कर लूंगा, पहले हम इसको स्पाइडर चलाते हैं, देखते हैं क्रॉल करके। सारा अभी भी ऑनलाइन पे ये वेबसाइट पेजेस ही हैं। अभी एक काम कर सकते हैं, ये तो साइट लिख देने से वेबसाइट पेजेस ही आएगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं साइट कोलोन हटा देता हूँ, तो ये कहाँ का अवेलेबल है ये मिल जाएगा मुझे। चलो, कॉन्टैक्ट इंटरनेशनल डिपार्टमेंट वर्क सेंटर, अभी तक इनका वही पेजेस मिल रहा है। ये देखिए ब्लूमबर्ग, ग्लास डोर, अब हमें लोकल लिस्टिंग्स मिल रहा है, वैदम, सेहत, जॉब इन्फो। बट अभी तक मुझे लग रहा है ये इनका सोशल मीडिया पेजेस मुझे नहीं मिला अभी तक। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज में है, हाँ ये मिला फेसबुक। अभी डिटेल इतना जाना पॉसिबल भी नहीं होगा, जनरल में देख रहा था, मीन्स लोकल लिस्टिंग भी इन्होंने करके रखा है। आगे बढ़ते हैं, तो इट मीन्स SERP इनका लगभग ठीक है, बस थोड़ा मुझे लगता है वो जैसे कि आप इवन जैसे मैंने ये चीजें ट्राई किया यहाँ पे, जो लोकल लिस्टिंग ये वो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग होता है, ये सब चीजें थोड़ा मुझे SERP में नहीं दिख रहा है, इस पे काम करना। यहाँ देखिए मोबाइल का स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, एंड इवन आजकल का लाइक मोस्ट ऑफ लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं सर्च करने के लिए, इवन डेस्कटॉप का स्पीड भी सही नहीं है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये दिक्कतें हो सकता है, सो बेटर होगा कि ये चीजों का सुधार कर लें और इन सब चीजों पे काम करना एक बेहतर लाइक डिसीजन हो। ये अपोलो का पेज है, इसके बारे में सोशल मीडिया में मैं कभी और लाइक मैं अगले कुछ वीडियोस में हो सकता है मैं बात करूंगा, बट अभी हम वेबसाइट को चेक करते हैं। और कुछ चीजें यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इनका कुछ इम्पोर्टेंट पेजेस जो है कुछ पेजेस मैं यहाँ से उठाता हूँ, कुछ पेजेस जैसे अमेनिटीज, चलो फाइंड अ डॉक्टर ये कर लिया। इस पेज में हेल्थ, लाइब्रेरी, ऑनलाइन पेमेंट, आस्क अपोलो, अच्छा ये दूसरा डोमेन ही यहाँ पे इन्होंने लिंक करके रखा है, जो भी हेल्थ लाइब्रेरी डॉट आस्क अपोलो डॉट कॉम है। ऑनलाइन पेमेंट ये इसी में है, ये देखिए हेल्थ लाइब्रेरी, बहुत ब्लैंक ब्लैंक सा लग रहा है। इमेजेस भी यहाँ पे कहीं लोड नहीं हो रहा है, या फिर इन्होंने इमेज डाला ही नहीं है शायद, बहुत ब्लैंक ब्लैंक लग रहा है इसमें, बिल्कुल इमेजेस नहीं मिल रहा है, या फिर ये तो इमेजेस लोड नहीं ले रहा या इमेजेस में है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि अपना मेन डोमेन को हर एक चीजों में यूज नहीं करते, दे प्रेफर गोइंग फॉर जैसे ब्लॉग्स के लिए स्पेसिफिक अलग रखना। यहाँ पे जैसे देखिए आस्क अपोलो एक अलग इन्होंने लेके रखा है डोमेन, हेल्थ लाइब्रेरी का अलग डोमेन है, अपोलो ये तो मेन मेन डोमेन है। चलो यहाँ पे एक देख लेते हैं हर्ट, एक ये पेज देख लेते हैं। पेज मुझे लग रहा है थोड़ा स्लो लोड हो रहा है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू
यूज प्रॉपरली। इस पेज में इंफॉर्मेशन थोड़ा कम है, जैसे यहाँ पे कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये चीजें नहीं है, यहाँ पे बहुत ब्लैंक स्पेस है। और मुझे क्या है ना, वेबसाइट एक्चुअली बहुत बड़ा है इसलिए बहुत सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया, लाइक दे आर बेस्ट हॉस्पिटल्स इन इंडिया, दैट्स व्हाई लाइक उनके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी है। तो मुझे लगता है, बट मुझे लगता है थोड़ा नीट एंड क्लीन वेबसाइट होने से, जैसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढना होता है तो जैसे मुझे मान के चलो मुझे एक डॉक्टर ढूंढना है और मुझे कॉल करना है सडनली, लाइक आई नीड असिस्टेंस, यहाँ पे मुझे अपॉइंटमेंट तो दिख रहा है लेकिन इसके अलावा मेरे को कहीं भी, जैसे अभी मैं लाइक हरी में हूँ अभी यहाँ, देखिए ये बहुत अच्छा चीज मुझे लगा, बुक अपॉइंटमेंट, इसका कलर बहुत अच्छा है ताकि आंख में दिखेगा। इवन हम लोग यहाँ पे भी कहीं पे भी यूज कर सकते थे ये ब्लैंक स्पेसेस में। तो ये सब चीजों को, ये क्या वीडियो है, वेबसाइट में मुझे कुछ ऐसा मिल तो नहीं रहा है। दे आर डूइंग गुड इन दियर टर्म्स, और एक्चुअली इतना बड़ा वेबसाइट है कि एक दिन में ऑडिट करना, लाइक तुरंत ऑडिट करना पॉसिबल भी नहीं है। तो चलिए एक बार मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे मैं एक बार चेक करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं मिलता। रोबोटिक्स यूरोलॉजी देखते हैं, कुछ अगर दूसरा कुछ मिलेगा तो मैं चेक करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ कंटेंट टाइप में जाके यहाँ, हाँ मैं सिर्फ पेजेस खोलूंगा जो इम्पोर्टेंट पेजेस है। अब यहाँ से हम करेंगे इसको चेक करेंगे कि करके यूआरएल से मुझे कुछ दिक्कत लगेगा तो एल एल नॉक, अभी तक तो बिल्कुल सब सही है। आस्क स्टेटमेंट वैल्यू, चलो इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, स्टेटस कोड भी चेक करते चलेंगे, इंडेक्सिबिलिटी भी है साइट में, आपको इन्होंने नो इंडेक्स करके रखा है। आई थिंक साइट में आप नो इंडेक्स करने से फिर क्रॉलेबिलिटी भी तो कम हो जाएगा, मुझे लगता है ये इंडेक्सेबल होना जरूरी इसलिए क्योंकि क्रॉलर तो साइट में आप देख के ही तो आपके वेबसाइट्स को करता है वो क्रॉलिंग। यहाँ पे अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं मिल रहा है, यूआरएल्स बहुत नीट एंड क्लीन है। अभी मैं कीवर्ड्स की बात नहीं करूंगा बिकॉज लाइक आई एम नॉट श्योर कि ये क्या है 180, इसको कॉपी किया जाए और लेट्स चेक इन गूगल। ओके इट्स आल्सो अपीयर्स बट यूआरएल देख के मेरे को लगा कि कोई पेट, जैसे कि कह सकते हो लाइक जानवर वगैरह का जो होता है ना, मुझे लगा वो पेज है, बट आई एम रॉन्ग। लेट्स सी अनदर थिंग्स, गिव मी सम टाइम। टोटल पेजेस यहाँ पे है 226, तो सारे पेजेस अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 404 मिल रहा है, कितना ये 3-5 पेजेस, तो ये भी नॉन इंडेक्स किया हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे कुछ खास इसमें दिखा नहीं, दे आर डूइंग गुड। इवन वेबसाइट्स का स्टेटस कोड सारा ठीक है, एक बार हम चेक कर लेंगे टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। ये टाइटल कुछ पेजेस का है जो टाइटल लेंथ ज्यादा है, एक बार इसको हम करते हैं, टाइटल लेंथ को करेंगे, ये देखिए बहुत सारे पेजेस का टाइटल लेंथ ज्यादा है, तो यहाँ पे काम करने का जरूरत है।
कि टाइटल जो भी पेजेस का ज्यादा है उसको कम कर सकते हैं, और इस तरफ मुझे अभी तक कुछ ज्यादा लगा नहीं। एंड डिस्क्रिप्शंस दे आर डूइंग गुड, मुझे कुछ एक्स्ट्रा अभी तक मिला नहीं है इसमें। एक डिस्क्रिप्शन ये देखिए 306, ये दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे ये सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और कुछ मुझे एक्स्ट्रा मिला नहीं, दैट गुड फॉर देम, और ये बहुत अच्छी बात है कि लाइक दे आर डूइंग गुड। एंड सारे पेजेस को चेक करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। एंड आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी और वेबसाइट के साथ, किसी और चीज का ऑडिट करेंगे। सो थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड स्टे सेफ बिकॉज दिस इज लाइक कोरोना टाइम एंड वी हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ थिंग्स। सो बाय बाय।